हरे कृष्णा, आज का टॉपिक है डेली रीड फॉर 23 अक्टूबर। पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आज आप कुछ चीज़ों को कंप्लीट करने के हिसाब से काम करेंगे कि कुछ जो प्रोजेक्ट आपको मिले हैं उनका आप ठीक तरह से काम करें और झट से झट उनसे उनका निपटारा करें, तो थोड़ी आपकी एनर्जी जो है वो फास्ट वर्क करने में इन्वेस्ट हो सकती है। सेकेंड कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो आज आप अपनी दिल की करेंगे, आपको किसी की बात सुनने में आज इंटरेस्ट नहीं होगा, बल्कि आपको जैसा लगेगा वैसे आप काम करने में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे। यू विल नॉट लाइक समवंस ऑर्डर्स। किंग ऑफ कप्स, तो लाइक बीइंग अथॉरिटी, आप कुछ डिसीजन लेना चाहेंगे और आप अपने जॉब में या बिजनेस में थोड़ा सा परिवर्तन चाहते हैं। शायद आपकी फिर कोई चेयर बदलनी हो या फिर आपका जो ऑफिस का कंपार्टमेंट है वो चेंज करना हो, तो कुछ तो चेंजेस आप अपने लाइफ में आज इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, तो एकॉम्प्लिशिंग का कार्ड है, एकॉम्प्लिश हो गया है और कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आप खुद से जाहिर करना चाह रहे हैं। अगर दोस्तों के साथ आप मेल मिलाप बढ़ाना चाहते हैं तो एकॉम्प्लिशिंग तो हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कि अगला जो प्रोजेक्ट है वो आपको ही मिले और आप ही उसमें साइनिंग करें। किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो अभी हमने देखा 10 ऑफ सॉर्ड्स, अभी है किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो सेकंड किंग आ गए यहाँ पे। तो आज आप कोई डिसीजन लेना चाहेंगे, मेजर डिसीजन, जो आप एक या दो हफ्ते से पेंडिंग था डिसीजन जो नहीं ले पा रहे थे, तो आज आपकी मेमोरी जो है, आपकी जो एनर्जी है वहाँ पे इन्वेस्ट होगी। और आपको एक अथॉरिटी फिगर बनने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आपके काम के ऊपर बस आपका होल्ड हो और किसी का नहीं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो सेलिब्रेशन का टाइम बनता है यहाँ पे और आप बहुत अच्छे मूड में होंगे, आपका नेगेटिव मूड बिल्कुल भी नहीं होगा और अच्छे मूड से आप सब लोगों को पॉजिटिव एनर्जी दिला देंगे। 3 ऑफ कप्स, तो 3 ऑफ कप्स आ गया है, तो सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली बनता है और आप वर्क रिलेटेड टेंशन में नहीं रहोगे, आप जो पूरा टेंशन है उसको निकल जाओगे और उससे आगे बढ़ोगे। पेज ऑफ पेंटाकल्स, तो पैसों के बारे में या फिर व्यवहार के बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं है, बल्कि आपको पता है कि किस तरह से कौन सी चीज़ करनी है, सो यू वुडंट लाइक एनी ऑर्डर। किंग ऑफ पेंटाकल्स, तो 3rd किंग आ गया हमें यहाँ पे, तो डेफिनेटली आज आप कोई अथॉरिटेटिव वर्क करना चाहोगे या फिर आपको ये पोजीशन, ये पोस्ट कैसे मिले इसके लिए आप हार्ड वर्क करोगे। अगला नाइट ऑफ सॉर्ड्स, तो आपने एक दिशा निश्चित कर ली है कि आप किस डायरेक्शन से जाएंगे, कैसे जाएंगे, और आपको उस दिशा में कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। और फाइनल कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ सॉर्ड्स, तो थोड़े सा स्ट्रेस आपका बढ़ेगा, आई थिंक शाम को 3 या 4 बजे के बाद, और आपको लगेगा कि मुझे ये वर्क नहीं दिया जा रहा है या फिर मुझसे ये काम छीन लिया जा रहा है, तो थोड़ी सी तकलीफ आपको हो सकती है, लेकिन इससे आप डेफिनेटली गुजर कर बाहर आओगे। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप दैट रेजोनेट्स विद यू। थैंक यू।